21 वर्ष झाले या इंडस्ट्रीजमध्ये काम करतो आहे आणि काम करत असताना एक सर्वसामान्य व्यक्ती करोडपती बनला पाहिजे, एक सर्वसामान्य व्यक्ती नॉलेजच्या बाबतीत एक मोठा झाला पाहिजे, त्याला नॉलेज आलं पाहिजे, तो व्यवसायामध्ये एक स्ट्रॉंग बनला पाहिजे, बिझनेसमॅन बनला पाहिजे, हा विचार करून या ठिकाणी आम्ही DNSP ची स्थापना केली आणि DNSP ची स्थापना करत असताना असे अनेक असंख्य लोकांना या ठिकाणी करोडो लोकांना मी DNSP च्या माध्यमातून या ठिकाणी निरोगी बनवलं आणि जी आज माझ्या खांद्याला खांदा लावून जी माझी टीम आहे मी त्यांनाही तुम्हाला इंट्रोड्यूस करतोय. कंपनीचे CEO महाराजी निकम साहेब, पहिले मोटिवेशनल ट्रेनर सुनील शिसाई साहेब, बलराम कुलकर्णी साहेब फाउंडर लीडर, त्याचबरोबर कुबीर किचडे साहेब, ही आमच्या DNSP कंपनीची ताकद आहे. मित्रांनो, ह्या माझ्याबरोबर आणि ह्यांच्या टीमच्या माध्यमातून आज DNSP ही कंपनी भारत बरोबर या ठिकाणी जगाच्या बाहेर जाण्याचं उद्दिष्ट या ठिकाणी ठेवून एक जबरदस्त काम या ठिकाणी चालू आहे. आणि आज जर विचार केला तर पाठीमागल्या महिन्यातच ऑडी 21 डिसेंबरला सरांनी ऑडी विकली, त्याचबरोबर मर्सिडीज CEO साहेबांचे असे BMW जागवार अशा सगळ्या असंख्य या ठिकाणी कार जे आहेत प्रीमियम कार या ठिकाणी DNSP च्या माध्यमातून या ठिकाणी येत आहेत. आणि माझी आव्हान आहे या महाराष्ट्रात महाराष्ट्राच्या या हिंदुस्थानमधील लोकांना तुमची स्वप्न पूर्ण करायची असतील तर DNSP मध्ये सामील व्हा. जय DNSP. उसको प्रोडक्ट को जो नहीं ले पाएगा उसके लिए भी मेरे पास समाधान है. मैंने काम किया
अल्कलाइन आयलेस वाटर को बॉटलिंग कर करके मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके हर घर को सप्लाई करने का एक बड़ा उपाय, और मेरे सर इसको बड़ा उठाने के लिए मेरे बिजनेस डिपार्टमेंट मिस्टर विकास सिकदार जी है, ये हम दोनों साथ मिलकर बीड़ा को उठाया है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि आज मेरे साथ एक और शख्स है जो कि मिस्टर गौरी रमन पांडे जी है, सब प्लीज आइएगा। ये वो शख्सियत है जिसने कंपनी रन करते इसके अलावा एच एस सी इंडस्ट्रीज जो कि 100% मेड इन इंडिया एल्कलाइन वाटर लाने को बनाते हैं, और ये सभी कंपनियाँ काम करी है तो कहीं ना कहीं से असंबल करके सामान बाहर से लेके आते हैं। हम एक नौती सीरीज कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ, ये चल रहा है। यशराज की फिल्म आने वाली है एक क्वांटिटी के साथ जो बड़ी फिल्म है,
और बाकी एक सौ छिपकली करके Thank you.
देश में जो अनाज पैदा होता है वो सब शहरी दवा से पैदा होता है, तो ये जो अनाज है वो ऑर्गेनिक से कैसा बने, और काश्तकार लोग जो स्प्रे करते हैं वो केमिकल करना करते हैं, ऑर्गेनिक स्प्रे करके अपना इसलिए अनाज अच्छी तरह से पैदावार करें और लोगों की सेहत के लिए ये हमारी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे उपलब्ध होते हैं इसके बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है कॉर्पोरेट का, जो आज तक जो हमारा अधूरा सपना था वो आज इंपोर्ट की तरफ से हमारा जो सपना था आज पूरा हो चुका है। धन्यवाद। एम्पावर अवार्ड्स, बहुत मजा आया यहाँ पर आकर, बहुत वेल ऑर्गेनाइज शो था, फ्रॉम एंकरिंग टू अवार्ड प्रेजेंटेशन टू टेकिंग केयर ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज, ऑल द गेस्ट्स, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच आपका दिल से, एंड ऐसे अवार्ड से आप सम्मानित करते रहिए, हम आते रहेंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह हम प्यार से जुड़े हैं ये प्यार बरकरार रहे लाइफ लॉन्ग तक, इसी तरह आप लोग मुझे बुलाते रहो तो मैं आपके शो में आता रहूँ, और इसी तरह हम भी अच्छे गाने लेके आते रहे आप लोगों के बीच में, और हमारा जो एम पावर है वो इसी तरह पावर पावर पैक के साथ हमें सपोर्ट करता रहे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। क्यों नहीं, मेरा अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग चल रहा है, आप इस बात का बोल कब माना है आपके फैन साहब। दिल गलती कर बैठा तू बोल कफारा करोगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, दिल की तौबा वे दिल अब प्यार दोबारा ना होगा, कफारा बोल कफारा कफारा बोल यारा, ओ यारा बोल कफारा करोगा। थैंक यू गाइस, सी यू वेरी सून।